ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता है, पता है आप लोगों को? ऐसा हुनर है ना, तकरीबन अभी एक सर्वे आया था, 70% लोगों के पास नहीं है, सिर्फ 30% लोगों के पास है। और वो 30% लोग है ना, दूसरे लोगों का दिल जीत लेते हैं उस हुनर से। और वो हुनर क्या है पता है आपको? आप इतने सारे जने बैठे हो, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, आप अपने हैंड रेज करना कि किस किस के पास ये हुनर है। क्या आपके पास किसी का तारीफ करने का हुनर है उसके सामने और उसके पीठ पीछे? रेज योर हैंड, ऑनेस्टली बताना, देखो इनके पास नहीं है ना इतने जनों के पास। और अभी मैं कहूंगा कि ये बैड हैबिट किसके पास है अधिकतर होती है? चुगली करना, आलोचना करना, सामने भी आलोचना करना और पीठ पीछे भी आलोचना करना, ये तो हर किसी की आदत होती है। मोस्टली 70% लोगों की आदत होती है हर किसी की चुगली करना और हर किसी की आलोचना करना, निंदा करना, कभी कभी उसके सामने भी करना और उसके पीठ पीछे। उसके पीठ पीछे तो लोग ज्यादा करते हैं आलोचना, और कहते नहीं यार हम तो नॉर्मली ऐसे ही उसकी बारे में बात करते हैं, उसकी वो ऐसी कमी है उसके बारे में बता रहे। अरे यार उसकी कमी बता रहे हो तो उसके सामने बताओ, सब लोगों के सामने क्यों बताना? एक हुनर अपने अंदर जरूर विकसित करना, आप सबसे अलग दिखोगे, और वो है तारीफ करना। किसी के मुंह के सामने तारीफ करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के पीठ पीछे तारीफ जरूर करना, क्योंकि मुंह के सामने तो सब अच्छे अच्छे बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है ना तो उसकी पीठ पीछे जरूर तारीफ करना, क्योंकि पीठ पीछे तारीफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अभी एक सर्वे आया था, उसमें सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं ना जो किसी व्यक्ति के पीठ पीछे दूसरे लोगों के साथ में बैठकर उसकी तारीफ करते हैं। और जब ऐसी तारीफ होती है ना तो दुनिया आपको देखती रहती है। तो तारीफ करना, कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसकी तारीफ करना, उसके मुंह पे भी करना और उसके पीठ पीछे भी करना, उसको आप एनकरेज करना, उनको आप मोटिवेट करना कि नहीं सर आप अच्छा कार्य करें, उनके मुंह के सामने भी और उनके पीठ पीछे भी। तो यह हुनर जरूर विकसित करना। बुराई तो हर कोई कर लेता है यार, बुराई करने के लिए कोई हुनर नहीं चाहिए, निंदा करने के लिए कोई हुनर नहीं चाहिए, यह तो हर कोई विकसित कर लेता है। और विकसित नहीं करता है तो भी ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि सामने वाला आलोचना कर रहा है, आप भी उसकी हां में हां मिलाते हो और एक आलोचना आप भी जोड़ देते हो। तो ऐसा मत करना यार, आपकी पर्सनालिटी डाउन होती जाएगी और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। करना हो तो उसकी तारीफ करना अच्छे कार्य की, उसके मुंह के सामने और उसके पीठ पीछे जरूर। ये हुनर अपने अंदर आप विकसित करना, आपकी अच्छी पर्सनालिटी में आपका अच्छा डेवलपमेंट होगा।